हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे। तो आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ बैठी हूँ, तो मैं अभी वॉकिंग करने आई थी ना, तो वॉकिंग कर तो 2 मिनट भगवान के हाथ जोड़ती हूँ, उसके बाद मैं तो 10 मिनट तक बैठती हूँ, उसके बाद मैं घर जाती हूँ। वॉकिंग करके थक जाते हैं ना, तो डायरेक्ट मैं घर जाना मतलब आसान नहीं होता है, क्योंकि घर जाकर भी मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। इससे पहले एक चैनल था जो इंडियन ब्लॉगर मधु के नाम से था, तो आप लोग देखे ही होंगे। 1 साल उस पर मैं काम की थी और वो ना मतलब मेरी गलती की वजह से वो डिलीट हो गया। मुझे ही पता नहीं था, क्योंकि ना मेरी पूरी फैमिली रिश्तेदार में कोई यूट्यूब पर नहीं है, तो मुझे इतना पता नहीं था और मेरी ही गलती की वजह से वो चैनल डिलीट हुआ था। और उस पर भी मैं 1 साल काम की थी, तो आप लोग समझ सकते हो जिस काम में आप 1 साल से लगे हो और वो डिलीट हो जाए तो कितना बड़ा दुख होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये मेरा दूसरा चैनल है जो ईसा फैमिली ब्लॉग्स है, इस पर भी मैं अच्छे से काम कर रही हूँ और मेरे साथ 2-2 बच्चे हैं, फिर भी मैं आप लोग के अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ, अलग अलग चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो इस पर मुझे अच्छा खासा सब्सक्राइबर मिल गए, मगर मेरा वॉच टाइम थोड़ा कम है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए कि मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाए। और आप लोग में जो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मुझे पर्सनली जान रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ, मैं यूट्यूबर बनना क्यों चाहती हूँ। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाह रही हूँ कि फ्रेंड्स मैं बहुत ऐसे काम की अच्छे, मगर जहाँ मैं अच्छा काम करने जाती हूँ ना, वहाँ पर मैं बुरा ही बन जाती हूँ। और सुनने के ये मिलता है कि मैं एक छोटे से गाँव की हूँ और कोई मेरे पास बहुत बड़ा डिग्री नहीं है और हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ये अपने आप से चैलेंज की हूँ कि मैं एक यूट्यूबर बन के दिखाऊँगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत जल्दी लाखों में सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, नहीं, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। और बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले को हार नहीं होता है, और आप लोग के साथ और सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो ज़रूर मैं यूट्यूबर बनूँगी। और बूंदे बूंद तालाब भरता है, एक ही दिन बरसात तो नहीं होगा और बरसात के पानी जल्दी टिकता नहीं है, तो वही है, कभी 4-5 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो कभी 1 सब्सक्राइबर घट भी जाते हैं, मगर कोई बात नहीं। आज मेरी वीडियो इतना सब्सक्राइबर मेरी मिले हैं, तो कल आगे भी अच्छे खासे मिलेंगे, तो प्लीज़ आप सभी हेल्प कीजिए। और मैं उस चैनल पर थोड़ा दिक्कत हुआ था जब मैं सभी यूट्यूबर के पास मैसेज की थी, कमेंट की थी, तो किसी यूट्यूबर ने मुझे जवाब नहीं दिया। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर के पास मैं, जिनको लाखों में सब्सक्राइबर है, उनके पास कमेंट की थी, तो उनके पास इतने कमेंट होते हैं ना, तो मेरे कमेंट हो सकता है नीचे चल जाते होंगे, तो वो लोग नहीं देख पाए, तो मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया था। और एक दीपक दिया खाना ब्लॉग्स है उनका, मेघा, तो मेघा जी ने मुझे रिप्लाई किया था कि आप, मैं उनसे बोली थी कि मुझे यूट्यूब चैनल में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, आपसे मुझे बात करनी है, तो उन्होंने बोला था मुझे कि इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए और वहाँ से मुझे साथ बात कर लीजिए। तो फ्रेंड मैं बोली ना कि मैं एक गांव से हूँ और मुझे इंस्टाग्राम आईडी मेरे पास नहीं था और इंस्टाग्राम मैं नहीं चलाती हूँ, तो इसी मतलब सोचते सोचते 1-2 दिन निकल गया था और मैं उनसे बात भी नहीं कर पाई थी और तब तक मेरा चैनल डिलीट भी हो गया था। तो मेघा जी के मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मेरे मैसेज के रिप्लाई की उन्होंने, मेरे लिए यही काफ़ी है, क्योंकि मैं काफ़ी लोग के पास मैं ट्राई कर चुकी थी कि मतलब किसी के पास ले रिप्लाई आएगा तो हो सकता है मतलब मेरा चैनल डिलीट होने से बच जाए, तो वो नहीं मतलब किसी से रिप्लाई आया था, मुझे बस मेघा दीपक दिया खाना ब्लॉग से ही रिप्लाई आया था और उनसे भी मुझे बात नहीं हो पाया। मगर कोई बात नहीं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरी कमेंट को रिप्लाई तो की है और काफ़ी दिन पहले मैं उनको कमेंट की थी जब मेरा वो पहला चैनल था। और अभी मैं यही बोलूँगी आप सभी दोस्तों से कि मैं एक गाँव से हूँ और मुझे अपने आप को प्रूव करना है और आप लोग साथ सपोर्ट कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी ये टारगेट मैं पूरा कर लूं और मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए चली जाए। तो चलिए मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने ख्याल रखिए, अपनी फैमिली के ख्याल रखिए, खुश रहिए।